हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी एम लखनऊ काइट्स। और दोस्तों, मैं हूं राजेश। और देखिए, ईद मुबारक लिखा है, ईद का मौका नहीं है, लेकिन पतंग की खूबसूरती आपको दिखा रहा हूं। और इस पतंग के जो मेकर हैं वो अदनान भाई हैं। मेकर हमने जोड़ा ही हमने किया। मेकर शुभम है। तो हमें शुभम इनसे नहीं मतलब है, हम इसकी बात नहीं कर रहे कमाली ठड्डे की। हम ये जो है, ये काम किसने किया है, ये सब हमने जोड़ी तो है। ये जो लिखा है यही हमें खूबसूरत लगता है, जो डिजाइन डाला गया है, और ये डाला गया है अदनान भाई के द्वारा। और जो कमानी और ठड्डा और जो काम है वो हमारे शुभम है, लखनऊ मोहिनीपुरवा के। ये है शुभम भाई। ये देखिए, वो उन्हीं का पौना, ये तो अजंता लग रहा है, अजंता 4.7। बहुत बढ़िया। ये हमारे बहन भाई हमको गिफ्ट दे के गए आए थे, बहन भाई जो कोलकाता से है, बीसु कोलकाता, तो गिफ्ट में दे के गए हमको बड़े फरमे की अद्धी है। ये सिर्फ अद्धिया दे गए। ये देखिए, ये भी उन्हीं का है। ये भी है कोई। अच्छा, ये ब्लॉक का इसमें कर है। ये आप देखिए। अच्छा, ये भी कोलकाता का, ये भी गिफ्ट है। गिफ्ट है। ये देखिए, अजंता लगा, अजंता 4.7 की पतंगे, बड़े फरमे की अद्दियां हैं सब। और ये हमारे बहन भाई के द्वारा खूबसूरत गिफ्ट है अदनान भाई के लिए। ये हम लोग का कलर लड़ना है, तोखा और परिदार। परिदार तोखिया, वही पतंग, इसीलिए ईद वाली लगती है। अच्छा, लड़ नहीं पाई है हवा के चक्कर में। तो अदनान भाई, मेकर बताइए, सचिन मोहिनीपुरवा वाले। हाँ, ये सचिन भाई ने दी है 12 पतंगे जी। और ये सब सरसरी तौर पे गिफ्ट है मेरा। अच्छा। हाँ। तो ये सारी जितनी भी पतंगे हैं इसमें, अभी हमें लग रहा है सारा गिफ्ट है किसी न किसी के द्वारा। वो वाली भी दिखाइए फिर। ये सचिन भाई ने 12 पतंग गिफ्ट की हैं जी। ये शुभम ने 12 पतंगे गिफ्ट की हैं। ये देखिए, शुभम की 12 पतंगे, सचिन की 12 पतंगे, और तोखा परिदार लड़ेगी, और सब तोखा परिदार है, काली नीली लड़नी है। ये पतंग इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर किसी को चाहिए होगी, सब कलर मिल जाएंगे, चाहे शुभम सचिन सभी की पतंगे मिल जाएंगी। अदनान भाई, एक चीज बताइए कि पतंग, बहुत समय से आपका पतंग का ब्लॉग मैं नहीं लाया हूं, और आज कोशिश है कि आपका पतंग का ब्लॉग आए। तो कितने मेकर लगभग आपके पास मिल जाएंगे पतंग से जुड़े, जिसकी जी शुभम मोहिनीपुरवा वाले जी, एक सचिन भाई जी, और शुभम आपके मनोज के जेले, तालिब भाई, जहांगीर, नसीम भाई, नरेश, और एक और है तनवीर, चंद्रपाल, और आपके चंद्रपाल की भी मिलेंगी। हाँ, चौकिया पतंग है उनकी जी, नीले चौक की, चंदू के नाम से जो आती है, चंदू के नाम से। ओके। और आपके आसिफ की पतंग है, और मास के नाम से महफूज भाई की पतंग है, शान की पतंग है, और सारे मेकर। देखिए अदनान भाई, बता ये बताइए, जो नाम ले रहे हैं ये सब अभी आप दिखा देंगे? हाँ, सब दिखा देंगे, सब है। तो बहुत सारे अभी हमें पता है, AZMT के नाम से जो पतंग आती है, उनकी अद्धी और पौना दोनों मिल जाएगा। नरेश भाई का पौना मिल जाएगा, अद्धी भी मिल जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए, नीचे लाइक का बटन है दबाइए, और मैं ये सारी पतंगे भी आपको दिखाता हूँ, विद प्राइस रहेगा। और ये देखिए, यहाँ पे मांझे बहुत सारे रखे हुए हैं, और पहले अदनान भाई हमको कौन सा मांझा दिखाएंगे आज? मैं चाहूंगा कि जो पुराने मांझे वो ना खोलिए, नए मांझे दिखाइए हमको खोल के। नए दिखा रहे हैं आपको, आए सब SRK। नहीं, इनका नाम है अरशद। अच्छा, अरशद। ओके। और अब जो ये ब्लॉग बनाएंगे जी, वो मेरे लिए बनाएंगे SRK से। अच्छा, ये आप देखिए, अरशद भाई की डोर है, और इसको फैजान भाई ने पास कर दिया। जब फैजान भाई जैसे खिलाड़ी पास कर रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है। बहुत अच्छा काम है, जैसे ही छुआ था तो मैं बोलने से पहले आपने बताया कि फैजान भाई ने पास कर दिया, बहुत बढ़िया काम है। उनकी एक चरखी और फैजान भाई के पास है जी, और जिस टाइम ये थर्सडे को आए थे तो फैजान भाई से इनकी मुलाकात हुई है। फैजान भाई इनको अब शीशा देंगे, फैजान भाई इनके हाथ में अपनी चार चरखी देंगे, जो ये इस थर्सडे आएंगे चरखी और शीशा लेके जाएंगे, और अगले थर्सडे उनकी डोर बना के लाएंगे। तो
बढ़िया काम है, मीडियम ढर्रे पे डोर है, कांटा भी अच्छा रखा है और थोड़ा सा ऐसा रखा है कि आप इसको लॉन्ग रेंज में फंसाएंगे तो भी मजा आएगा आपको। और ये नाम है उनका, और ये देख लिए आप लोग, ये अगर ना समझ में आए तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अदनान भाई को भेज सकते हैं। और अदनान भाई नया आप आर्टिकल दिखा रहे हैं हमको, तो ये जरूर लोग जानना चाहेंगे कि जो ये मांझा है ये कितने का मिले। ये 1900 रुपए का मांझा है और कहीं ये बिक भी रहा है, पर ये हमसे खुद जुड़े हैं, वहाँ जितने का बिक रहा है वो उनकी है, वो है हमारे पास 1900 का मिलेगा। अब जब आपने प्राइस बताया है तो एक चीज मैं यहाँ पे सबसे खूबसूरत लग रही है कि फैजान भाई जैसे बड़े खिलाड़ी जो महंगे महंगे बांझों में बिलीव रखते हैं वो भी देखिए 1900 वाले आर्टिकल को बनवा रहे हैं, तो अब आप इससे जान सकते हैं कि मेकर कैसे काम कर रहे हैं। फैजान भाई को चीज पसंद आई ना, अभी आपको हमने दिखाई नहीं है, अभी हम दूसरा कलर का चरखा खोल के दिखा देते हैं। मैं यही बात कहता हूँ कि आप लोग रैपर पे मत जाइए, चीज देखा करिए कि डोर की क्वालिटी क्या कह रही है। जरूरी नहीं है कि बड़े नाम का रैपर है तो डोर अच्छी होगी, कोई छोटे मेकर 2000 में भी ऐसी ढर्रे रख रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम है। और फिलहाल जो बलियुद्दीन और जाफर भाई की डोरे हैं वो सक्सेस हैं, लोग लगातार डिमांड करते हैं, इसीलिए आज मैं खोल ही नहीं रहा हूँ इन डोरों को, आज आपको नए मेकर की डोरे दिखा रहा हूँ। उसी का ही डोर का एक और आर्टिकल, तार जैसा और ये डोर जबरदस्त काम है। मेन बात है कि डोर का जो ढर्रा है वो 1-2-3 है, बहुत मस्त, जैसे अभी हमें कोटेड डोरे आपके पास देखने को मिलती थी बिल्कुल वैसे ही इन्होंने भी मेहनत की गई है, मेहनत करके तो ये बढ़िया चीज लग रही है कि। और अच्छी बात ये है कि कोई भी चरखी में जी शिकायत होगी जी तो ये हर थर्सडे आएंगे, तो जिसकी भी शिकायत होगी वो। फिलहाल मैं इनका एक बात मैं इनसे कह दूं कि 1-2-3 पे आर्टिकल है, अरशद भाई है मेकर, और अरशद भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अगर मैं ये कहा जा रहा है कि आपका ढर्रा अच्छा है आपका काम अच्छा है तो प्लीज दाम मत बढ़ाइएगा। और डोर में अपने हाथ से चरखे को वजन देखिए कि चरखा वजनदार है कि नहीं, काफी बढ़िया बिल्कुल वेटेड है, और डोर भी आप देख लिए एक बार क्या बढ़िया काम है। फिलहाल डोर आपको लग रहा है ये पूरी है ना, बिल्कुल है, बहुत वजनी चरखी है, बिल्कुल फुल वेटेड है और काफी जी वो भरने के स्टाइल से पता चल गया है, और डोर बारीक है, ऐसा नहीं बारीक होने पे 1900 रुपए दाम, 1900 है ना अदनान भाई, 1900 रुपए के अगर आप पैसे को देखेंगे तो इस डोर के बारे में कुछ नहीं कहना पड़ेगा आपको। और ये कौन से लग रहा जी, तो भाई उस्ताद ने अगर पास किए तो इसके आगे हमें फिलहाल यहाँ पे काम और बढ़िया देखने को मिल रहा है हमको। और ये है नाम उनका डायमंड किंग कोलकाता 7 स्टार। अदनान भाई ये डोर फिलहाल देखने में और अच्छी लग रही है हमको, क्या बात है भाई, मजा आ गया। इस डोर का ढर्रा तो बहुत ही बेहतरीन है, ढर्रा देखिए अदनान भाई कैसे लड़ेगी बताइए, बढ़िया फंस के लड़ेगी बढ़िया। और डोर का जो धागा है वो देखिए पिंक कलर का है, गुलाबी कलर का, यानी लग रहा है कि भिगो के बनाई गई है बनी। जी तो ये सबसे अच्छा ये होता है, हसीन भाई की डोर है, हसीन भाई यानी हसीन ही नाम है इनका। अच्छा इसके मेकर हसीन भाई हैं। प्राइस बताइए हमें थोड़ा सा, सेम प्राइस है 1900। देखिए बहुत बढ़िया काम किया गया है डोर में, 1900 रुपए का ये आर्टिकल बिल्कुल भी छोड़ने वाला आर्टिकल नहीं है फिलहाल भाई, तो बचे नहीं है आपको दिखाया आप। अदनान भाई ये बताइए मिलेगा? हाँ भाई मिलेगा, ये रखा है ये जी को आए होते तो इधर गैप हो रहा है थोड़ा सा, और गैप मेरे चाचा की तबीयत थोड़ी खराब थी अब तो जी नहीं है इस समय, डेथ हो गई जी, तो उसी वजह से थोड़ा सा हम नहीं आ पाए थे अदनान भाई के पास, और फिर अपने अपने थोड़ा बिजी भी रहते सब लोग अपने अपने कामों में। लेकिन ये जो दो मेकर दिखा के आपने मुझे ये ढर्रा फंसाने के लिए बहुत अच्छा लगा है, जो हसीन भाई की डोर है फंस के बहुत ही अच्छा काम है, थोड़ा महीन किया गया और बढ़िया गोल मुंह पे रखा गया। दो चरखी बची हैं वरना चरखियां तो ज्यादा आई थी, दो ये और अरशद भाई के 1-2-3-4 इस तरीके से भाई की बची हैं। आते ही जो सामान बिक रहा है तो आप समझिए नया मेकर और इतना बढ़िया डिमांड के तुरंत चरखे सब चले जा रहे हैं, दो ही चरखे बचे हैं सिर्फ, तीन उनके बचे हैं दो ये बचे हैं, बाकी सब
गायब हो गए, तो गायब हो ही जाएंगे, लेकिन हम आपसे जरूर कहेंगे कि मंगाइएगा जरूर इसकी। मंगा रहे ही हैं, अब वो थर्सडे आएंगे तो लेके आएंगे, सुपर गोल्ड की डोरे आएंगी वापस हम लोग अपने जो मेकर हैं हमारे। और इनका डर्रा हमेशा से, आज तक मैंने बदला नहीं देखा, जैसा काम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बढ़िया काम रहता है डोरों में, खींच का खिलाड़ी हो, फंसाने का खिलाड़ी हो, महीन कांटा रखते हैं, और ये डर्रे जो है सक्सेस है। तो और प्राइस भी आप सब लोग जानते हैं इनकी डोरों में, अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो तो मेरे पिछले आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं अदनान गाइड सेंटर के, कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता चुका हूँ बहुत बार इनके प्राइस को, हम कमेंट में बता चुके हैं तो वो तो है नहीं, कमेंट में आपको पता चल जाएगा। अब मैं ज्यादा डोरों के बारे में बताऊंगा नहीं, कलर खाली देखिए क्या बढ़िया कलर होता है, रेड कलर से अच्छा जो है सबसे बेहतरीन कलर मुझे लगता है। और बलियुद्दीन के नॉर्मल ब्लॉक्स हैं, सिक्स कोटेड नहीं है आज, क्या सिक्स कोटेड भी हैं जी, कम आए थे जी, और कोशिश किया करिए कि सिक्स कोट के चक्कर में मत रहिए, और यही डोरें बढ़िया रिजल्ट देती हैं, मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ। दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिक्स कोट ले लिए, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी भरोसा रखिए, सब काम डोर नहीं करती जी, कहीं पे काम पतंग को करना होता है, और जहाँ पे डोर का काम होता है वहाँ डोर काम करती है, और कहीं खिलाड़ी का भी काम होता है, तो अपने भी हुनर को जो है आप लोग जो है बिल्कुल भूल न जाइए, सब डोर कर देगी तो ऐसा है ही नहीं। हाँ, यही कहने का मतलब है कि बिल्कुल इसके सारे ना रहिए कि सिक्स कोट ले लें हम, लच्छी ले लें उससे काट दे, ये आ गई आपके सिक्स कोट। अभी मैं आपको बता दूंगा कि सिक्स कोट और लच्छी क्यों लेते हैं लोग, कुछ कहना नहीं है, इनकी डोरें देखिए सिक्स कोट के बाद, ये मैं हर बार मैं जैसे ही छूता हूँ मुझे ये बात अच्छी लगती है कि सिक्स कोट के बाद डोर महीन है, सबसे अच्छा यहाँ पर चीज यही देखने को मिल रही है, महीन ढर्रा तेज कांटा सब कुछ बढ़िया रखा गया है। जिसको जिसको भी भाई मैं यहाँ से बाहर भेज रहा हूँ सब तारीफ कर रहे हैं और सब दोबारा जुड़ रहे हैं, ये नहीं कि एक बार, अभी भी हमने चरखी जो भेजी थी सबके व्हाट्सएप पे कमेंट्स हैं जी, सबको जो चीज़ ये दिखाई जा रही है वही चीज़ मिल रही है, सिर्फ खाली बताई जा रही है और चीज़ दूसरी जा रही है ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया है, तो यही होना ही चाहिए। अब हम अदनान भाई चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है जो बचे हुए ब्लॉक हो वो थोड़ा हमको शॉर्ट में ऐसे बता दीजिए, क्योंकि आज हमने नए माहनूर भी पड़ी है, ये है जाफर भाई की डोर, माहनूर इसके बाद ये बाबर भाई की डोर है, और ये वही है बाबा नवाब भी है, अच्छा इसी का ही बाबा नवाब भी मिल जाएगा, तीनों ब्लॉक है उनके, और तीनों 2000 रुपए के आर्टिकल हैं, ये मैं इनके तीनों के प्राइस क्लियर है, माहनूर लें चाहे बाबर लें चाहे बाबा नवाब लें, ये उसके बाद डायमंड किंग है 1900 रुपए का आर्टिकल है, ये बलियुद्दीन की डोर है, ये सब आप लोग जानते हैं मेरे पिछले ब्लॉग में, ये नॉर्मल डोर है और ये सिक्स कोटेड है, और अगर आप लोगों को कुछ परेशानी तो आप लोग पिछला ब्लॉग देखेंगे तो डिटेल में मैंने आप उसी ब्लॉग में पूछिएगा वीडियो देख के आपको कमेंट में तो सब लोग बता देंगे, मैं भी बता दूंगा, अदनान भाई भी बता देंगे, लेकिन और डिटेल में जाना हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और अदनान कुछ छुपा नहीं है बिल्कुल, बताएंगे वही चीज मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाने का कोई मतलब है यहाँ पे, कोई चीज अदनान भाई छुपाते ही नहीं है, और वही देंगे, ये ना सोचे आदमी हम बता नहीं रहे हैं तो महंगा देंगे, ऐसा है नहीं जी, अगर बिल्कुल आपको मैं दे दूं उसके बाद आप पिछली वीडियो चेक कर ले उसमें पैसे देख ले, तो यही 50 रुपए बढ़े थे ये मैंने आगे वाली वीडियो में बता दिया था, वो किस लिए बढ़े थे, चरखी अच्छी लगी है, चरखी टूटे ना इसलिए, वो सब लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप लोग पिछला ब्लॉग देख लीजिएगा, और अदनान भाई जो प्राइस बताएंगे वो प्राइस पिछले कई सारे वीडियो के पीछे चले जाइएगा, वहां भी आपको यही प्राइस मिलेगा, क्योंकि अदनान गाइड सेंटर का एक जो टैग है वो उनका ये कहना है कि प्राइस बदलता नहीं है, ये जल्दी हमसे पहले ले, अगर जिसको भी लेनी ले, और रेट का ये ना हो बताया नहीं तो हमने रेट में कुछ और दिया, जब ले ले उसके बाद जाके पिछली वीडियो देख ले, रेट सेम मिलेगा, पहले लीजिएगा फिर बाद में वीडियो देखिएगा, जुड़े रहिए वीएम लखनऊ काइट से, लखनऊ में, अमीनाबाद में,
अमीनाबाद इंटर कॉलेज के आगे चिकमंडी का मोड़ और उसके ठीक सामने अदनान काइट सेंटर।